हेलो गाइस, तो आफ्टर द अपडेट दैट सीईटी एग्जाम हैज बीन डिलेड, ओके, जो कि अब सीधे अगस्त एंड तक चला गया है. ओके, वी हैव द नेक्स्ट अपडेट फ्रॉम सीईटी कमिंग अप दैट सीईटी रजिस्ट्रेशन, ओके, दे हैव एक्सटेंडेड दैट, ओके, एंड दे हैव मेड इट 11th. ओके, यू कैन सी दिस मैसेज कमिंग अप हियर दैट द रजिस्ट्रेशन फॉर सीईटी एग्जाम, ओके, द एमपीएससी सीईटी एग्जाम हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 11th ऑफ मे. तो जो 5th ऑफ मे था, यानी कि जो कल तक था, ओके, अब वो 11th ऑफ मे, यानी कि एक हफ्ते से उन्होंने इंक्रीज कर दिया है, ओके, एक्सटेंड कर दिया है. इसका मतलब सम मोर पीपल विल गिव दिस एग्जाम एंड आई टेल यू हु आर दीज पीपल हु विल रजिस्टर ड्यूरिंग दिस टाइम. ओके, दीज आर दो स्टूडेंट्स जो कि शायद सीईटी के लिए उतना सीरियस नहीं है, ओके, एंड यू नो रादर दे आर फोकसिंग ऑन कैट एग्जाम, ओके, और सम अदर एग्जाम फॉर दिस ईयर, एंड दे आर थिंकिंग दैट सर सीईटी हो रहा है तो क्या मैं सीईटी दे दूँ. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन दैट, ओके, शुड यू गिव सीईटी, अगर आपको देना भी है तो किस तरीके से देना है, ट्रायल तौर पे देना है, सीरियस होकर देना है, कैसे देना है, ठीक है. सो अंडरस्टैंड, ओके, वन थिंग इज देयर, देखो आपका जो कैट का एग्जाम है, जो कैट 2022 का जो आप एग्जाम दोगे, जो कि नवंबर में होने वाला है, ये एग्जाम, और अगर आप इसको सीईटी से कंपेयर करते हो, ओके, सीईटी का एग्जाम भी जो 22 का एग्जाम है, ओके, ये आपका अगस्त में हो रहा है, यानी कि ये अगस्त एंड में हो रहा है. ओके, और इसका एडमिशन जो होगा ये बहुत आराम से और 2-3 महीने लेगा, यानी कि इसका कॉलेज स्टार्ट होते होते नवंबर दिसंबर आ जाएगा. सो ये जो कॉलेज, ये जो कैट एग्जाम आप नवंबर में देने वाले हो, इसका कॉलेज होने वाला है जून में स्टार्ट, जून 2023 में स्टार्ट, और ये जो आप अगस्त में दोगे ये नवंबर में ही स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन आपको पहले से पता है कि भाई सीईटी में क्या है, सीईटी में अच्छे कॉलेज के ऑप्शन बहुत ही कम है, ओके, नेग्लिजिबल है, सिर्फ एक जमनालाल बजाज है, विच ऑब्वियसली इज अ वेरी वेरी गुड कॉलेज, बट इसमें भी दुनिया के कैटेगरी लगते हैं. अगर आप ओपन कैटेगरी में हो, जनरल कैटेगरी में हो, तो आपके पास हार्डली कुछ सीट्स आते हैं. ओके, सो व्हाट इज द कैच हियर, ओके, आई सी दैट, ओके, सम पीपल, सम नो सम मेंटर्स, आई सी दैट मिसगाइडिंग स्टूडेंट्स. ओके, मुझे था कि मैं ये क्लियर कर दूँ. देखो, आपने कैट की तैयारी जो करना शुरू की थी वो एक टॉप कॉलेज में जाने के लिए शुरू की. ओके, आपको सीईटी एग्जाम डेफिनेटली देना चाहिए, इट्स नॉट दैट कि नहीं देना चाहिए, आपको इस बार का एग्जाम भी सीईटी देना है, ट्रायल के तौर पे बिल्कुल दो, बिकॉज ऑब्वियसली सीईटी के थ्रू आपको जेबीआईएमएस जैसे कॉलेज के ऑप्शन मिल रहे हैं. बट आई टेल यू द मिस्टेक, और जहां पे आप गलत होते हो, जहां पे आप ना सीईटी के बचते हो ना कैट के बचते हो, दैट द मिस्टेक दैट यू कैन डू हियर इज दैट कैट एग्जाम इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम सीईटी एग्जाम. अब जब कैट नवंबर में आता है तो आपको ना यहाँ से, यानी कि मे ऑनवर्ड्स, आपको काफी सीरियस हो जाना है टुवर्ड्स योर कैट एग्जाम, बिकॉज यू हैव ओनली 7 months नाउ लेफ्ट, एंड द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड फॉर कैट इज वे डिफरेंट, ओके, फ्रॉम द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी विच इज फॉर सीईटी एग्जाम. सो सीईटी एग्जाम और कैट एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में बहुत फर्क है. अगर समझो कि आपने यहाँ पे डिसाइड किया कि सर मैं सीईटी का ट्रायल देना चाहता हूँ इस बार, और मुझे अपनी पूरी पढ़ाई की प्रिपरेशन जो है ना सीईटी के हिसाब से करना है, यानी कि व्हाट यू आर सेइंग इज दैट मे, जून, जुलाई एंड अगस्त, ये 4 महीने आप बोल रहे हो कि मैं सीईटी के टाइप प्रिपेयर करूंगा. आप करो, आप उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन नुकसान कहाँ हो रहा है मैं ये बताने वाला हूँ. नुकसान यहाँ होने वाला है कि आपकी जो स्ट्रेटजी थी, जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैट में आते हैं, ओके, वो लेवल ऑफ क्वेश्चंस सीईटी में नहीं आते. व्हाट सीईटी रिक्वायर्स, सीईटी रिक्वायर्स स्पीड. व्हाट कैट रिक्वायर्स, कैट रिक्वायर्स एक्यूरेसी, यानी कि आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन पे काम करना है. आपके कैट के जो पजल्स के लेवल्स होते हैं वो सीईटी के सामने बहुत हाई लेवल होते हैं. तो आपने अगर अगला 4 महीना सीईटी की तरफ दिया एज अ ट्रायल ऑप्शन एंड यू स्टार्ट नो फोकसिंग ऑन दैट, ओके, अगर आप उसके तरीके से पढ़ाई करना शुरू कर दो, तो आपकी कैट की पढ़ाई का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, सिंपल एज दैट. ओके, सो इफ यू हैव प्लान टू गिव कैट एग्जाम दिस ईयर, कैट 22, देन यू शुड कीप योर फोकस ऑन कैट एग्जाम. पढ़ाई कैट एग्जाम से करो, सीईटी को जस्ट जाके रजिस्टर करके एज अ ट्रायल दे के आ जाओ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग द एग्जाम, यू जस्ट गो देयर. ओके, उसके लिए कोई खास पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अपनी प्रिपरेशन को ट्वीक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनीवेज आपका जो मेन गोल है वो कैट है, वो आईएमए टॉप कॉलेज है. ओके, एंड अगर आपको सीईटी देना भी है तो कैट के बाद हमको सीईटी 23, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो सीईटी होगा, देखो ये वाला जो है, क्योंकि ये भी एक चीज बहुत जरूरी है कि जो आप कैट देने वाले हो इस बार, कैट जो आपका नवंबर में होगा, ये कॉलेज कब स्टार्ट होने वाला है, ये कॉलेज जून 2023 में स्टार्ट होगा, और आपको सीईटी का ऑप्शन मिलने वाला है जो सीईटी 2023 में होगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर मार्च में होगा होपफुली. ओके, इसका कॉलेज कब स्टार्ट होने वाला है, इसका कॉलेज भी जून 2023 में स्टार्ट होने वाला है. तो जो आपका ओरिजिनल प्लान था, जो कि आप जून में आपको एमबीए स्टार्ट करना था नेक्स्ट ईयर, ओके, तो आप कैट के थ्रू भी कर सकते हो और नेक्स्ट ईयर सीईटी के थ्रू भी कर सकते हो. तो इस बार की जो सीईटी है वो आपको सिर्फ ट्रायल के तौर पे देना है. ओके, आप उसको
कोई अलग से उसके लिए अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करो, उसके लिए जाके कोई अलग से 15-20 मॉक देने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव सीन लास्ट ईयर पीपल रूइनिंग, लिटरली उन्होंने अपनी कैट की प्रिपरेशन को पूरा खराब कर दिया, उन्होंने पूरी ताकत सीईटी की तरफ लगा दी और सीईटी भी उनका नहीं हुआ, और फिर उसके बाद उनके पास सिर्फ हार्डली 2 महीना बचा फॉर कैट एग्जाम और उस पर वो कैट भी नहीं कर पाए। तो ऐसे केस में ना सीईटी हो रहा है ना कैट हो रहा है, सो डोंट डू दिस मिस्टेक। ओके, फोकस ऑन वन एग्जाम जो आपका मेन गोल है, जो आपका एक ना जो आपको एक बड़े कॉलेजेस की लिस्ट जो आपको दिख रही है कि कैट में जाओगे 20 तो आईएम्स हैं, दुनिया के एसपीजीएन है, एफएमएस है, ओके एमडीआई है, इतने सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस वहां पर है, तो आपके पास वहां पे कैट में मोर देन 25 टॉप लेवल कॉलेजेस आर देयर, ओके मोर देन 25 जो कि आपको सीईटी के थ्रू नहीं मिल रहे हैं, सीईटी के थ्रू हार्डली 2-3 गुड कॉलेजेस आर देयर। सो अपना फोकस कैट पे रखो, कैट की तरफ पढ़ाई करो, ओके एंड वॉट एवर इज यू नो सीईटी एग्जाम उसको सिर्फ ट्रायल के तौर पर एग्जाम रजिस्टर कर लो और जाके सिर्फ यू नो जाके एग्जाम अटेम्प्ट करके आ जाओ, देख लो कि ठीक है भाई एक्चुअल एग्जाम सिनेरियो क्या होगा, कैसे होगा, ओके कैसे फटाफट करना होगा, आपको लिए आपके लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली करो, बट अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना, एंड दैट्स अ इंपॉर्टेंट मैसेज जो कि दैट वी आर गिविंग हियर थ्रू दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज मेक श्योर दैट यू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके सो दैट यू गेट ऑल दीज गुड अपडेट्स, ओके रेगुलरली ऑन आवर चैनल, ऑल द बेस्ट।